नाजरीन आप देख रहे हैं इंट्रिक्स न्यूज 24/7। हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंट्रिक्स न्यूज को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते से वक्फे से हो रही बारिश के सबब कई इलाके डूब चुके हैं और घरों में पानी दाखिल होने से घरों में मौजूद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है और सड़कें झीलों में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में GHMC की लापरवाही उरूज पर है। नाजरीन, ये नज़ारा बहादुरपुरे का है जहाँ सड़क तालाब नुमा दिखाई दे रही है और बहादुरपुरा पर जो फ्लाई ओवर और ब्रिज का काम तकरीबन 2 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और आवाम को मुश्किल का सामना तो दूर की बात काफ़ी परेशानी का सामना है, क्योंकि कई घंटे ट्रैफिक जाम की वजह से राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात हो रही है। ये नज़ारा गुंटा शाह बाबा दरगाह के पास का है जहां मेन होल खुला हुआ है, जिससे अवामी जानों को ख़तरा लाहक है। ये तमाम एरिया कॉरपोरेटर्स, MLAs और GHMC की लापरवाही का नतीजा है। इंतखाबात के दौरान ये लोग वोट के लिए गली गली फिर कर वोट मांगते हैं, पर अवामी मुश्किलात के वक्त कोई नहीं आता। अवाम को भी चाहिए कि अपने वोट का इस्तेमाल सही करें और सही उम्मीदवार को चुनें। इस बारिश की वजह से इलेक्ट्रिक का भी काफ़ी मसला है, क्योंकि बर्फी तारें भी ज़मीन को छू रही है, जिसकी वजह से करंट सड़कों पर आ रहा है। इंट्रिक्स न्यूज़ आप तमाम से गुजारिश करता है कि अपने बच्चों को बाहर ना छोड़ें और अपनी जानों की हिफाजत खुद करें। इसके अलावा भी शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात का भी यही हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है। आप देख सकते हैं ये वीडियो में हमारे नुमाइंदे अब्दुल रौफ की ये खास रिपोर्ट पेश है। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंट्रिक्स न्यूज़ से और कमेंट ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.